Good afternoon, students. I am Ananta Dutta from Bharti Group of Colleges. Today we will study about the topic computer graphics. आज हम जान पढ़ेंगे कि computer graphics होता क्या है. Computer graphics आजकल बहुत ज़्यादा use हो रहा है हर एक चीज़ के लिए. Computer graphics एक ऐसी technique है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि human और machine के बीच में communication कैसे करें. इस बारे में हमको computer graphics techniques बताता है. And computer graphics defined as a pictorial representation of an object. In computer means यदि computer में कोई object का हमको एक pictorial एक picture के form में representation करना है, तो उस चीज के लिए computer graphics use होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास यदि कोई application का model है, means कोई pictures वगैरह है, तो आप पहले से उस model को लेंगे, उसके बाद आप उसे application program में convert करेंगे, उसके बाद फिर उस जो भी graphics सॉफ्टवेयर है आपको सॉफ्टवेयर में उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे देन आपको कंप्यूटर जो है वो उस चीज का आउटपुट प्रोवाइड करेगा. अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के. फर्स्ट होते हैं पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सेकंड वन इज इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स. पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप ऑफलाइन इसमें समझ सकते हैं जो भी ऑफलाइन चीजें होती है जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ पे कंटेंट्स में अपन कुछ कंट्रोल नहीं करता मॉनिटर उस चीज को हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं. एंड इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स मींस जो विजुअलाइजेशन या जो रनिंग वेबसाइट रहती है जो एनिमेशन के थ्रू यूज होती है वो चीज आती है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर. देन दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. इसमें अपन इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि बिजनेस ग्राफिक्स मीन्स जो प्रेजेंटेशन वगैरह यूज होता है ऑफिस में जिसके थ्रू जिसमें पाई चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं समझाने के लिए वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है. जैसे कि साइंटिफिक ग्राफिक्स हो गए जिसमें कि हम एक्स वाई एक्सिस के थ्रू प्लॉट करते हैं या फिर इसके डायग्राम्स हो गए या आर्किटेक्चर की जो डिजाइन हो गई ये सारी कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आते हैं या फिर कार्टून हो गए या कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए यदि हम कुछ पोस्टर्स वगैरह बना रहे हैं बैनर्स तो वो भी चीजें कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आती है. एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिसके थ्रू हम यूजर को इंटरेक्शन करते हैं मॉनिटर्स जिसमें चीजें यूजर फ्रेंडली होती है और क्लियर होती है ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या होते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉम्पोनेंट्स के अंदर तीन चीजें आती है. एक आता है डिजिटल मेमोरी एक आता है टीवी मॉनिटर और एक आता है डिस्प्ले कंट्रोलर. मींस एक जो डिजिटल मेमोरी उसमें यूज होता है जो कि हम उसे फ्रेम बफर भी बोल सकते हैं. फ्रेम बफर हम यूज करते हैं जो कि डार्कनेस रिप्रेजेंट करता है इमेज के. एंड देन टीवी मॉनिटर जिसके थ्रू हम इमेज या जो भी चीजें हम बना रहे हैं उस चीज को हम देख सकते हैं. उसके बाद आता है डिस्प्ले कंट्रोलर मीन्स ये जो भी डिजिटल मेमोरी बफर और टीवी मॉनिटर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है डिस्प्ले मॉनिटर. इस डिस्प्ले मॉनिटर का मेन फंक्शन यही रहता है कि वो जो कंटेंट्स को फ्रेम बफर से मॉनिटर में पास करता है. डिस्प्ले कंट्रोलर एक एक बाइट को रीड करता है जितने भी डेटा के बाइट है फ्रेम मेमोरी बफर में वहां से रीड करता है उसको वन और जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करता है देन वीडियो सिग्नल के थ्रू वो उसको ट्रांसमिट करता है. एंड जो रिजोल्यूशन रहता है वो बीजीए कार्ड के थ्रू 640x480 का बनता है. और जो टीवी मॉनिटर है टीवी मॉनिटर यूज करता है सीआरटी कैथोड ट्यूब का जिसके थ्रू वो इमेज हमको शो करता है. सीपीयू है जैसे सीपीयू में हमने कुछ प्रोसेस डाला तो वो प्रोसेस अपडेट होगा अपडेट होकर वो फ्रेम बफर में जाएगा जहां पे कि वो फ्रेम बफर से वो बिट में कन्वर्ट होगा. कन्वर्ट होकर वो डिस्प्ले कंट्रोलर में जाएगा जिसमें कि वो वन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. उसके बाद वो जो पर पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन रहती है वो पर पिक्सल रिप्रेजेंट होकर वीडियो मॉनिटर में वो शो होता है. तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम जनरली एक इमेज या किसी भी चीज को हम कैसे इंटरैक्टिव वे से बताएं जिससे कि यूजर उसके थ्रू अट्रैक्ट हो और ये सारी चीजें हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू बना सकते हैं. एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए
है. इट हैज एबिलिटी टू शो मूविंग पिक्चर, मीन्स इसके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स के पास एबिलिटी रहती है कि वो मूविंग पिक्चर्स को शो करता है. एंड दस इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनिमेशन विद कंप्यूटर ग्राफिक्स. और इसी के थ्रू ये पॉसिबल है कि हम आज के डेट पे एनिमेशन यूज कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा. एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो एनिमेशन की स्पीड को भी कंट्रोल करता है. जो भी उसका व्यूज हम डिस्क्राइब करते हैं, ज्योमेट्रिक व्यूज और सीन्स जो उसमें एक साथ चलती है सीक्वेंस में, तो ये सारी चीजों को कंप्यूटर ग्राफिक्स टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं. कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम मोशन डायनेमिक भी बोल सकते हैं. वो एक ऐसा भी टूल प्रोवाइड करता है मोशन डायनेमिक्स के नाम से, जो कि मूव करते हैं यदि किसी ऑब्जेक्ट को एक एंड से दूसरे एंड में, तो उस चीज के लिए ये एक टूल प्रोवाइड करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स. डन. अब हम पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब इज द सिंपलेस्ट वर्जन विच कंसिस्ट ऑफ ग्लास फिल्ड ट्यूब विच इज टू मेटल प्लेट्स, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड अदर इज पॉजिटिव चार्ज. मीन्स कैथोड रे ट्यूब में एक सिंपल ग्लास फिल्ड ट्यूब रहता है. ये पुराने टेलीविजन पे यूज होता था या पुराने मॉनिटर्स पे भी यूज होता था, जिससे हम सीआरटी बोलते थे. जो भी टेलीविजन वर्क करते थे वो इसी के बेस पे काम करते थे. इसमें दो प्लेट्स रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट रहता है एंड एक नेगेटिव चार्ज प्लेट रहता है. एंड एक इलेक्ट्रॉन गन रहता है जो कि जिससे कि जब रेस निकलती है तो वो स्क्रीन पे जाती है, और स्क्रीन पे फॉस्फोरस के कोटेड प्लेट्स रहते हैं जिसमें कि जब इमेज रिफ्लेक्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन गन से बीम रिफ्लेक्ट होती है तो एक छोटा पॉइंट बनता है जिसे कि हम पिक्सल कहते हैं. एक स्मॉलेस्ट पॉइंट विच इज विजिबल ऑन दी स्क्रीन इज नोन एज पिक्सल. जब ये कंटिन्यूअस पिक्सल्स यहाँ पे बन जाते हैं तो उससे वो एक इमेज फॉर्म करता है. तो इलेक्ट्रॉन गन से का फॉस्फोरस के प्लेट में डिफ्लेक्ट करता है जिसके कि थ्रू इमेज बनता है स्क्रीन में. ये प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है ग्राफिकल सिस्टम का, वीडियो मॉनिटर, जिसके कि मेन एलिमेंट्स हैं जैसे कि फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन की बीम एमिट्स होती है. देन इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू फोकस पॉइंट एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम. मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ से रेज निकल रही है वो फोकस सिस्टम से पास हो रही है, और उसके बाद जो एक्स और वाई डिफ्लेक्शन सिस्टम है उससे पास होते हुए वो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन में जाके पड़ रही है. देन व्हेन द बीम हिट्स द स्क्रीन द फॉस्फोरस एमिट्स अ स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट एट ईच पोजिशन कॉन्टेक्ट बाय द इलेक्ट्रॉन बीम. मीन्स स्क्रीन में जितने भी पोजिशन रहेंगे, जो भी फॉस्फोरस कोटेड है वो सारे बीम्स में, वहाँ सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन की बीम एमिट्स होगी जिससे कि वहाँ पे एक इमेज बनेगा. इट रीडोर द पिक्चर बाय डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन बीम बैक ओवर द सेम स्क्रीन पॉइंट्स वेरी क्विकली. मीन्स बार बार जो इमेजेस चेंज होती है साइमल्टेनियसली, जैसे कि हम वीडियोज वगैरह देखते हैं उसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो उसमें बीम एमिट होती है वो बहुत ही क्विकली एमिट होती जाती है. एंड दिस प्रोसेस बैक ओवर्स वेरी रैपिडली जिसके कि थ्रू बार बार इमेज बनती है स्क्रीन में. अब हम बात करेंगे कैथोड रे ट्यूब की एडवांटेज क्या है. तो फर्स्ट ये हाईएस्ट रिजोल्यूशन और एस्पेक्ट रेशियो प्रोवाइड करता है. मीन्स इसकी जो भी इमेज बनती है उसका रिजोल्यूशन बहुत हाई रहता है. देन सेकेंड वन इज जो इसमें इमेजेस प्ले होते हैं वो रैपिडली प्ले होते हैं जिसमें कि हमको कुछ वेरिएशंस नहीं आते हैं, रैपिडली इमेजेस डिस्प्ले होते हैं. और ये लेस एक्सपेंसिव है. यदि हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हमें इससे कम लगता है. यदि हमको ये और ट्यूब में या किसी और चीज में देखें तो उसमें एक्सपेंसिव कॉस्ट उसकी ज्यादा आएगी. देन इसका कलर कॉम्बिनेशन ये आरजीबी कलर के मॉडल पे यूज होता है, रेड ग्रीन और ब्लू. देखते हैं एप्लीकेशन की हम बात करें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है. तो फर्स्ट ये के लिए यूज होता है. मीन्स जो वहां पे सिविल ड्रॉइंग वगैरह के जो इमेजेस बनते हैं, बिल्डिंग के जो 3D इमेजेस बनते हैं, उस चीज के
बिल्डिंग्स वगैरह की डिजाइन करते हैं एंड आर्किटेक्चर वगैरह के लिए भी यूजेस होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग की. देन सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, मीन्स जो भी हम प्रेजेंटेशन यदि हमको किसी कस्टमर को कुछ चीज समझानी है या स्टूडेंट को कुछ चीजें समझानी है तो हम उसे प्रेजेंटेशन के फॉर्म पे समझा के बहुत इजीली उन चीजों को समझा सकते हैं. देन थर्ड वन इज एंटरटेनमेंट, मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि कार्टून्स वगैरह जो बनती है वो सारी चीजें एनिमेशन के थ्रू ही बनती है, एनिमेशन के बिना कार्टून्स वगैरह नहीं बन सकता. देन कंप्यूटर एडेड लर्निंग, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वगैरह भी यूज होते हैं, ये सारी कंप्यूटर एडेड लर्निंग के लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है. देन कंप्यूटर आर्ट, मीन्स जो हम एनिमेशन वगैरह बनाते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिसके के थ्रू हम यूजर्स को या कस्टमर को इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने चीजों के लिए, तो उसके लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है. देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मीन्स जीयूआई जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इतना यूजर फ्रेंडली रहता है कि वो यूजर्स को इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड इजी टू यूज रहता है, जिसके के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है. देन मेडिकल एप्लीकेशन, मीन्स मेडिकल एप्लीकेशन में जो भी एक्सरे की मशीन्स हैं और जो भी आजकल मशीन्स आए हैं उसमें जो इमेजेस वो कैप्चर करते हैं उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. देन इंटरनेट, इंटरनेट जो हम एक्सेस करते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह यूज करते हैं, ये सारी चीजों में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है. गेम्स हो गए, गेम्स में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है, जिसके के थ्रू हम गेम्स पॉसिबल ही नहीं है यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स ना रहे तो. जो हम एनिमेशन वगैरह गेम्स में प्रोवाइड रहती है आजकल हाईटेक, वो सारी चीजों में कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज होता है. अब हम बात करें मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन की, तो हमारे पास दो रिजोल्यूशन के मोड है, फर्स्ट है टेक्स्ट मोड एंड सेकेंड वन इज ग्राफिक मोड. टेक्स्ट मोड को हम कैरेक्टर मोड में बोल सकते हैं, जिसमें कि जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट इज रो एंड सेकेंड इज कॉलम. टेक्स्ट मोड की हम बात करें तो टेक्स्ट मोड में जो स्क्रीन है वो रोज और कॉलम में डिवाइड कर रहती है, जिसमें कि 25 रोज एंड 80 कॉलम्स रहते हैं. एंड ईच टेक्स्ट मोड रिफर एज बॉक्स कैपेबल ऑफ होल्ड सिंगल कैरेक्टर, मीन्स एक बॉक्स में एक सिंगल कैरेक्टर को होल्ड करके रखता है. देन सेकेंड वन इज ग्राफिक मोड. ग्राफिक मोड की हम बात करें तो ग्राफिक मोड जो है वो वीडियो एडॉप्टर सपोर्ट करता है, जिसमें कि जो स्क्रीन है वो एरेज और पिक्सल्स में डिवाइड हो जाती है एंड स्क्रीन की रिजोल्यूशन 640x480 की रहती है, जिसमें ईच पिक्सल का एक नेम और एड्रेस रहते हैं, मीन्स उसमें जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल रहेंगे सारे पिक्चर्स पिक्सल्स के एक नेम पर्टिकुलर और एड्रेस रहेंगे, जिससे कि हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेज आर मेड बाय सेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ पिक्सल, मीन्स इसकी जो ग्राफिक्स मोड्स में जो भी पिक्सल्स रहेंगे उनकी हम प्रॉपर